होली स्पेशल आ गया। आप थोड़े बड़े आदमियों की कैटेगरी में आते जा रहे हो, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो। हूँ डीडी न्यूज़ से, मैं एक बार यूं करेंगे, कैसे हो? सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आप देख रहे हो जैसे पसीने में। तो अभी 10 रनिंग करी है, और रनिंग करके आपने नंबर नहीं दिया भाई साहब, नंबर का वेट करता रह गया। आप थोड़े बड़े आदमियों की कैटेगरी में आते जा रहे हो, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। सॉरी गलती हो गई मेरे को, क्या मैंने इनसे बोला अनिश भैया को कॉल करके, मैंने भैया आ रहा था हाँ, तब भी आदमी आएगा प्लम्बर का नंबर देना, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। हाँ मिल गया, कहाँ मिला? मैंने चलो आज फिर फोन कर, मैं दे रहा हूँ, दो तीन नंबर दे रहा हूँ, मेरे को व्हाट्सअप करो ना यार, क्या खराब है, बड़ी दिक्कत आ रही है पानी आने। तो दोस्तों अभी रनिंग करके आए हैं, ये देख रहे हो डोला सोला, देख रहे हो सब फुल माल कैसा पड़ा है, फुल इंस्पिरेशन है यार, इस उम्र में भी अपने आप को रेडी रखा हुआ है। तो सीखो, ये देखो रिएक्शन में आपकी 48 है भाई सब, पावर ये है इनमें भी, हाथ में ही। तो अभी बैक लगाएंगे और मजे मस्ती लेंगे, ये लाल परी आई हुई है चुन्नी पहन के, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर आज दिन में कहीं गया तो वो भी दिखाएंगे आपको, बने रहें साथ। सो हे गाइस, हाउ आर यू? अब जिम से सीधा धवन के पास आ गया हूँ, अभी पेट्रोल डलवाने आए यहाँ पर, इसमें साफ चलता है भैया, मतलब यहाँ पर ना इतनी भीड़ लगती है फिलहाल। अभी दिल्ली में केजरीवाल जी ने योजना चालू करी है कि जिस पे बुलेट है उसको फ्री पेट्रोल मिलेगा, ये भाई साहब आ करवाता हूँ, देखो उसका आ करवाऊंगा, ये क्या नाम है आपका? भाई भैया भैया नाम पहले आगे बोल रहा, इससे पीछे रहना चाहिए भाई साहब, इससे तो पीछे रहना चाहिए पेट्रोल से। आ नमस्कार, क्या मैं उससे हूँ डीडी न्यूज़ से, एक बार यूं करेंगे, कैसे हो? मैं कह रहा हूँ बोलो कैसे हो, कह रहे अच्छा हूँ, पागल है क्या? 30 रुपये का डलवा, 10 तुम मिलाओगे? 10 तो मैं उनको और कुछ कर दूंगा, 10 भैया 30 रुपये देना भैया, 30 रुपये कोई नहीं देता किसी को, एक रुपया भी। अभी जा रहे हैं एक जगह पे बाहर, तो इधर जाना है टाइम किसी काम से, वो होना चाहिए ये करके जिम्बल ट्राईपॉड, तो मिलते हैं चलो थोड़ी देर में मिलते हैं पेट्रोल भरवा के। तो देख रहे हो दोस्तों अभी ये टेंट लग रहा है, मैं खा लिया खाना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ सब चीज, अरे भाई ये शौक किया है अभी यहाँ से, भाई बोला भी नहीं जा रहा, यहाँ से खा के खाना खा के अब जा रहा है, बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही थी, एक स्टेप करिए कोई भंगड़ा, ओ ढिंगटड़ा 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 ढिंगटड़ा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, इसको पास नहीं आ रहा है, ये पहले इस वाले कॉलेज में देता था, ये कॉलेज के साथ वाला कॉलेज था। अच्छा, ये कंप्यूटर ला देता हूं, ये मानसिक संतुलन खो चुका है इसका मतलब? नहीं मतलब अपनी मस्ती में मस्त है, जैसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या देख तो भाई लोगों ये देख रहे हो, मतलब भरपूर, मतलब 1000% कॉन्फिडेंस की इस आदमी में, भरपूर क्या बोलते हैं उसको, कमी तो नहीं है, भरपूर भरा हुआ है कॉन्फिडेंस से, देख रहे हो यहाँ पर करेगा बात, करता है बिल्कुल, ये देख रहे हो ये सब लोग यहाँ पर हैं, और इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, कान में लीड लगा के सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत को याद करता हुआ नाच रहा है, ये बुलाऊ इसको, आ जाएगा, बुलाना, राठौर भैया बुला रहे हैं, यहाँ पर NSP में किसी को आके खाना हो ना, यहाँ पे आके खा लेना, राठौर भैया की स्नैक्स की शॉप है पीछे। अरे आके तो खोल रखी होंगे इसकी, नमन नमन नाम है, अच्छा नमन
आ जा एक बार यार, पानी पिलाओ तेरे को। तू देख रहा है आगे आगे चलते आगे आगे चल दोस्त। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बोलो निकले तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी भैया की तरफ से। नमन भैया, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ और डांस सिखाता हूँ और पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। अच्छा, ये जो आप में इतना मतलब मोटिवेशन कहाँ से आता है यार? मोटिवेशन बस लाइफ को एंजॉय करते हैं। मेरे को नाना करते हो, 3-4 साल तो मुझे हो गए आपको देखते हुए। मेरे को यहाँ पर 8 साल हो गए। मुझे देखते हो इतना साल हो गए। 8 साल हो गए, 2015 से। हाँ इतना टाइम तो हो गया होगा मेरे को। 2011 से तो मैं ही आ रहा हूँ यहाँ पर। 12th खत्म होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आपको शर्म नहीं आती इतना सारी ऑडियंस बैठी होती है? शर्म क्या, नहीं देखो लोग हैं तो बोलेंगे ना, लोगों का बोलना है। आप खुद देखो, जब केएल राहुल हो, अर्शदीप सिंह हो, लोगों ने बोला उसके दिन उन लोगों ने मारा, जिन लोगों को लोग ट्रोल करते हैं बाद में उन्हीं को स्क्रोल करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, लोगों का बोलना बोलते रहेंगे। हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कल को मरेंगे भी तो डांस करते करते मरेंगे ना, क्या दिक्कत है? डांस पैशन आपका? डांस पैशन है, जब भी मतलब बोर हो, इंजॉय कुछ भी हो, घर बैठे हो, मन ना लग रहा हो, डांस करने दिल्ली हटा जाओ। तो आपकी तो आवाज भी अच्छी है, आवाज भी अच्छी है आपके। तो मैं डांसर हूँ लेकिन गाना इसलिए गा रहा हूँ कि बिना गाने के डांस कैसे होगा, तो गाना चाहिए, तो डीजे भी खुद बन जाओ, डांस भी खुद कर लो बस। मेरे को मतलब नहीं है आसपास। जो लोग अपनी जिंदगी से डीमोटिवेट हो जाते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? देखो, जो लोग जिंदगी से डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो घर से बाहर निकलो, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, खुद पर विश्वास करो कि आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है और आपके पास जो है उसी के लिए ग्रेटफुल रहो। वरना लोग कहते हैं हमारे पास क्या है, लेकिन आप जो आपके पास है कितने लोग के पास तो वो भी नहीं है। इसलिए जो है उसको खुश मान के लाइफ को एंजॉय करो, और जिस चीज़ को आप, जो चीज़ आपको पसंद है उसको एंजॉय, उसको करते रहो, आप कोई बोर नहीं होगे। मुझे डांस पसंद है, जब भी मैं बोर होता हूँ डांस करता हूँ, लगता है कि मेरा कोई दोस्त हो ना हो लेकिन डांस ही मेरा दोस्त है। क्या बात है। मैरिड हो आप? मैं 26 साल का अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो, कहाँ रहते हो आप? मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ। पंजाबी बाग में रहते हो। कुछ लाइफ का मोटिव है आपका? मेरा मोटिव है, मेरे को 3 चीज़ें करनी है। पहला, मेरे को डांस एकेडमी खोलनी है, डांस सिखाना है, जो कि मैं इस साल के एंड तक डांस एकेडमी खोल लूँगा। दूसरा, मैं जो ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ जिसमें कि मैं 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के इंसान तक को पार्ट टाइम में काम देता हूँ, तो मेरा काम है इंडिया में लोगों को रोज़गार देना। और तीसरा, मेरा काम है, मैं एक लाइफ कोच हूँ, तो मेरा काम है लोगों को गाइडेंस देना, कोचिंग करना, ताकि लोग मोटिवेशन रखें, मोटिवेट रहें, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें। मेरे इंस्पिरेशन सोनू सूद हैं, इंस्पिरेशन टाटा हैं, क्योंकि लोग विवेक बिंद्रा नहीं आपके? विवेक बिंद्रा भी हैं लेकिन मैं उनसे ज़्यादा मानता हूँ सोनू संदीप महेश्वरी को। अच्छा। हर एक के बहुत सारे इंस्पिरेशन होते हैं लेकिन आपको किसी एक दो को मानना चाहिए, तो मैं हर सेक्टर से किसी न किसी को मानता हूँ। अच्छा। एक्टिंग में मानता हूँ, मैंने बताया आपको, एक्टिंग में मानता हूँ, देखा जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मानता हूँ। अच्छा, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई डायलॉग बोलोगे आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था, उनकी माता जी ने उनको कहा था। कहा था वो बात अलग है, वो सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ उनकी आवाज में कोई डायलॉग बोल सकते हो? मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे को एक्टिंग पसंद नहीं है। अच्छा, मिमिक्री पसंद नहीं है आपको? लेकिन मैं बस सुनता हूँ तो मुझे उनकी बात पसंद है। क्या बोला था उनकी माता जी ने? माता जी ने कहा था कि कचरे के दिन में बदलते हैं तो आप क्या चीज़ आपके भी दिन बदलेंगे। कचरे के 12 साल में तो कचरे का दिन भी बदलता है, कूड़ा की जगह भी बदलती है, तो आपकी जगह भी बदलेगी, आप बस लगे रहो, करते रहो। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू भैया। इसी तरह आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जहाँ पर भी हैं मस्त रहिए। कोई क्या बोल रहा है बोलने दो, लोगों का बोलना है, राय तो देंगे फ्री में ना। एक वो तो सुना दो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना सुनाऊं? हाँ जी। वैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग सुना दो। सुना दो, इतनी दूर जाकर सुनाओगे तो माइक में कैसे आवाज़ पकड़ी जाएगी? इतना ही बोल दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना, आपको किसी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, अपने आप में मस्त ही रहना। क्या बात है, सेल्फ मेड है दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड यार। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। तो भैया अभी पता है एक्चुअल में मैं आया हूँ दिल्ली हाट में, ये भाई लोग मिले हैं मेरे को यहाँ पर। तो इनका भैया का नाम क्या है? बिट्टू गुप्ता। हाँ जी, बिट्टू गुप्ता जी। और भाई का नाम? अमन। अमन। और यहाँ पर है नमन। नमन भैया है यहाँ पर, डांसर है जो कि यहाँ पर दिल्ली हाट में डांस करते रहते हैं। अभी इससे पहले आप उनका वीडियो देख लोगे। अभी मैंने इनसे फरमाइश करी कि बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो वही पब्लिक की डिमांड है। एक तो मेरे व्लॉग में जाएगा वो, और एक जाएगा शॉर्ट वीडियो में। तो ये दो चीजें आपको शूट करनी पड़ेंगी। नमन भैया क्या आप रेडी हैं इसके लिए? Yes, I am ready. आप रेडी हैं इसके लिए? Yes, I am ready. हाँ, डांस स्टाफ में बोल के दिखाओ, क्या आप रेडी हो इसके Yes, लिए? I am ready. Very good, bro. आपको चालू करेंगे भैया, ठीक है? एक मिनट रुको। तो रेडी रेडी कर लो पोजीशन में, बैक कैमरा कर रहा हूँ। फिर सेम स्टेप आपको शॉर्ट वीडियो का 15 सेकंड के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है ना? Yes. डन ना? ओके, वेरी गुड। सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली हाट में डेली आते हैं और अपनी कम से कम 4-5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं डांस की, और कंप्यूटर भी सिखाते हैं लोग। आप सिखाते हैं ना कंप्यूटर? सिखाता था, अब नहीं सिखाता। मैं जॉब करता हूं और डांस सिखाता हूं और बाकी लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करता हूं। वेल्थ कैसे प्रोवाइड कर देते हो? हम लोगों को पार्ट टाइम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप, ताकि इंडिया में हर कोई पैसा कमा सके, हर कोई एक कामयाबी की तरफ जा सके। क्योंकि अच्छा। इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, बट अच्छा। हम खत्म करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी कुछ भाई लोग मिले हैं यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, इनके फ़ोन में मेरा पहले से ही चैनल सब्सक्राइब था, तो ये मैं बहुत ज़्यादा ना क्या बोलते हैं उसको, खुश हो, आश्चर्यजनक रह गया। तो यही चक्कर, वही हिंदी में कोई आता नहीं है ना। लो मेरा कार्ड रख लो। अच्छा, ये आपका कार्ड है, यूथ एंड वुमेन, ये भैया का कार्ड है। डिस्क्रिप्शन में फोटो डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। और भैया बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आप कुछ करो लाइफ में, आप कुछ करो, आप कुछ करो, ठीक है? अच्छा, आप बोल दो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन लोगों को मुझसे सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।